राजा रानी और लड़का रोहतास 6 साल का, तीनों प्राणी ऋषि की शरण में आ गए और कह दिया, ऋषि जी चाहे हमने अपने आप को बेचना पड़े, आपके 100 वर्ष पूरा करेंगे। अब ऋषि विश्वामित्र तीनों प्राणियों को लेकर और काशी शहर में पहुंच जाते हैं। एक चौराहे पर जाकर एक मुनादी वाला बुला लिया और कह दिया कि वे सारे काशी शहर में मुनादी कर रहे, 3 नौकर हैं, अगर किसी को जरूरत है तो खरीद सकता है। अब लेकर ढोल, वो ढोल बजाता हुआ मुनादी वाला सारे काशी शहर में घूम गया कि वे 3 नौकर बिकाऊ है, अगर किसी को जरूरत है खरीद सकता है। नौकर 3 बेकाऊ से ले लो न कोई मोल, काशी जी की गाला के मां फरे बाजता ढोल। उसी शहर में एक रामलाल नाम के ब्राह्मण थे, उसने एक नौकर की जरूरत थी रसोइये की। रानी मदनावत को लड़के रोहतास को 50 बार सोना दे के और दोनों को खरीद लिया। एक कालिया नाम का भंगी था, उसने भी जरूरत थी एक नौकर की, 50 बार राजा हरिश्चंद्र के नाम के ऋषि को दे दिए और उसको भी खरीद लिया। 100 बार पूरे करके ऋषि को सौंप दिए और तीनों प्राणी अपने अपने कार्य पर लग जाते हैं। कालिया भंगी ने राजा हरिश्चंद्र के जुम्मे काम लगाया कि वर्णा नदी से आपने मेरे सुरों के लिए जल लाना होगा, लेकिन छत्री था, कह दिया कि आपके घर का अंजल नहीं करूंगा। तो एक दुकान बता दी, भाई इस दुकान से सूखा सीधा ले और अपना बना और खा। क्या ठीक, हमारे लिए बहुत ही सम्मानित रमेश कुमार जी, जिस महान आत्मा की याद में धर्म कार्य है, उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए श्रद्धांजलि स्वरूप 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है। बगाना के पुत्र श्री समुंदर सिंह जी 101 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है। अब हर रोज का कार्य राजा हरिश्चंद्र का वर्णा नदी से जल ले आवे और काली भंगे को सुरों को पिला दे। लेकिन जो दुकान बताई थी कि मैं सूखा सीधा यहां से लेर बनाई रखाइए, उस दुकान का रास्ता भूल जाता है। 28 दिन हो गए कालिये के घर का अंजल किए, अन्न की बांधी काया। एक दिन दोपहर का समय, जेठ का महीना, वर्णा नदी पर मटका भर तो लिया लेकिन शरीर में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि 28 दिन हो गए थे अंजल करे। बहुत कोशिश करी, मटका सिर पर नहीं आया। चारों तरफ देखे, भाई कोई ऐसा इंसान आ जाए जो थोड़ा हाथ लगवा दे मटका सिर पर, लेकिन दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया। खुचम खुचा बहुत देर तक होता रहा मटके के साथ, लेकिन जब बहुत समय बीत गया तो काशी शहर की तरफ देखा, दो गर सिर पर रानी मदनावत आन लागरी। सोखर मना परमात्मा का, हे परमात्मा आदमी भी बेचर कती घर का भेज दिया। पास में आई, प्रणाम करा, महाराज आओ रानी। बोली कड़े दुखी हो रहा के रानी मटका भर लिया लेकिन उठाया नहीं जा रहा, क्यों महाराज? के शरीर में हिम्मत को ना, 28 दिन हो गए भंगी के घर का अंजल किए, और तेरा थोड़ा आसान हो जाएगा, मरा हाथ लगा दे। तो हाथ जोड़कर राजा हरिश्चंद्र प्रार्थना करते रानी मदनावत से, सजनो जब इंसान लाचार मजबूर हो जाए तो उसके दिल पर के बीतते है उसका अंदाजा सिर्फ वो ही लगा सकता, सामने वाला नहीं लगा सकता। क्या कहता है और क्या बताता है? रेनु बोला दया करी दोनों आप, हरने वे दर्शन पावन की घाट पे मानस के आवण की।
गन्नौर से भाई राकेश कुमार जी दादा कन्हैया लाल के इस धर्म कार्य की खुशी में उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए 101 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है। धन्यवाद क्या कहा पहली गली में करो। आपको पता है मैं ब्राह्मण के घर नौकरी करती हूं, आप पंगी के घर। अगर आपके मटके के मन हाथ लगा दिया तो मेरा धर्म घट जाएगा। नुबलरा तेरे मेरे सेवा कौन देखा हारे। नुबली महाराज वो परमात्मा तो देखा जिसका ध्यान देनी है। लेकिन बार बार राजा यही प्रार्थना करता है कि जरा सा हाथ लगा दे, मेरा भी काम चल जाएगा। बहुत परेशान हूं, सारी तो भारी सिर पर कह गई लेकिन मटका नहीं उठ रहा। क्या कहता दूसरी कड़ी में मैं बहुत पी से
गांव मुरथल से भाई राजू दादा कन्हैया लाल जी के इस धर्म कार्य की खुशी में और इनके नाम से श्रद्धांजलि स्वरूप 101 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं। राजू भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस महान आत्मा की आत्मा को शांति मिले और इनका स्वर्ग में वास हो। जिनके मरणोपरांत इतनी मूर्तियों के दर्शन हुए, ये खुशियों के मेले लगे, बार बार धन्यवाद किया जाता है। धन्यवाद। हमारे बीच में दादा कन्हैया लाल के धर्म कार्य की खुशी में हमारे बीच में अपने हलके से मोहनलाल जी बड़ोली विधायक महोदय हमारे मध्य पहुंचे हैं। पूरे परिवार की तरफ से, गांव की तरफ से विधायक जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। धन्यवाद। क्या कहा चौथे नंबर पे, क्या लिख दिया वाला? हमरा गांव से श्री हरिकेश जी, जिस महान आत्मा की याद में आज का धर्म कार्य है, उनके नाम से श्रद्धांजलि स्वरूप 101 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं। रमेश जी रामराय से बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है। धन्यवाद। हमारे लिए बहुत ही सम्मानित भाई विनोद जी, जिन्होंने सारा बीड़ा अपने सिर पर उठा के पूरे परिवार को साथ लेके और दादा कन्हैया लाल का धर्म कार्य किया, 100 रुपए पार्टी का मान सम्मान करते हैं। विनोद भाई का बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है। धन्यवाद। पंडित लखीराम जी शर्मा जी, इस धर्म कार्य की खुशी में 101 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं। पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है। धन्यवाद। हमारे बीच में विधायक महोदय पहुंचे हैं और दादा कन्हैया लाल के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हम स्वागत करते पूरे परिवार की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से, और भगवान से प्रार्थना करते इस महान आत्मा का स्वर्ग में वास हो और इस परिवार में पुनर्आगमन हो और इसी तरह खुशियों के मेले इस परिवार में लगे रहे, ऐसी हम भगवान से कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है। धन्यवाद। चौथे नंबर पे पंडित जी ने क्या लिखा, क्या बताया वाला? हमारे लिए बहुत ही सम्मानित विधायक मोहनलाल जी बड़ोली, जिस महान आत्मा की याद में आज का धर्म कार्य है, उनके नाम से श्रद्धांजलि स्वरूप 500 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं। विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है। धन्यवाद। अकेले ही अकेले चला है कहां।